हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, और अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की, और देखते हैं इस पूरे वीडियो को यानी कि पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें केवल इस पूरे एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है, इसके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला है, ठीक है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, और ये है फोर्थ वाला, फिफ्थ और सिक्स थोड़ा आगे कराएंगे। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि संख्या कैसे पता करेंगे, ग्राफ को देखते ही हमें संख्या पता करना है। ठीक है, देखो कैसे बनाए, यानी कि शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। ठीक है, ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, इसमें जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को, हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है वाई एक्स से। ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, 1 स्थान पर काट रहा है, यानी कि एक स्थान पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो सभी, यानी कि सभी को हम इसी प्रकार बस लिखना है बस केवल। तो देखिए यहां एक लाइन लिखनी है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, अतः पीएक्स के लिए शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इस वाले पे। तो इसमें भी हमें देखना है, इस तरह से यहां लाइन कर दें, तो इसमें देखिए, इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को कहां एक स्थान पर काट रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें एक लाइन लिखनी है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है, अतः जैसे इसमें लिखा है हमने पीएक्स के लिए शून्यकों की संख्या, बस वही लाइन से हमें लिखनी है। ठीक है, अतः पीएक्स के लिए शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1 है, समझ में आ गए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए कैसे करेंगे। यहां चूंकि ग्राफ, देखिए यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष ये है हमारा, तो एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने स्थान पर काट रहा है, 1, 2, 3। ठीक है ना, तो बस यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है, अतः पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक, ये नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, तो सेम इसमें भी
कोई चेंजिंग नहीं कर रही है, बस यहाँ देखना है कि ये कितने स्थान पर काट रहा है, दो स्थानों पर काट रहा है। ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, दो स्थानों पर काट रहा है, तो इसमें भी वही लिखेंगे हम। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या भी दो होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर क्वेश्चन यहां पे हो गए। ठीक है, अब बचे हुए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए आगे आगे ये दो क्वेश्चन और बचे हुए इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी आगे क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही इन्हें भी करना है। ठीक है, तो यहां देखेंगे ये कितने स्थान पर काट रहा है, एक दो तीन चार, यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को चार स्थानों पर काट रहा है। तो अब इसको बस हमें देखना है केवल, तो यहां देखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार स्थानों पर काटता है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या चार है। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, अब आप इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए तो आपके समझ में आ गए होंगे। आप कोशिश करके देखिए ये वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, ट्राई करके देखिए, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के आपके फोन में आते रहें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।